कल भी आपको जब बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लिए भेज दिए पंप, ये तो खाली फॉर्मेलिटीज, मैंने कल आपको बताते हैं बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, ठीक है। अभी भी हो सकता है किसी घर में कोई ऐसी इंजरी हो गई हो। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम 5 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से हमने अपनी कमाई सारी घर को बचाने में लगानी है, हम अपना फ्यूचर नहीं देखे। या इनका ड्रेनेज बनाइए, वहाँ पे निकालिए, वाटर निकल जाएगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अभी पानी है, अभी कोई आ रहा है देख रहा है, 2 दिन बाद कुछ नहीं करेगा, तो वो कोई अल्टीमेट सलूशन, इसको गहरा करो, पानी का दो तरफ डिवाइड हो जाएगा और पूरा पानी ऊपर वालों को नीचे आ रहा है। और दूसरी सुझाव आप हर बार देते हैं पर सुझाव कोई सुनता ही नहीं है। जब उनको बोर्ड चाहिए होते हैं तो आते हैं, बोले हम आपको टाइल डाल के देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, जब वो बन गया वो बोलता राजा मैं हूँ और कोई है ही नहीं दुनिया। अभी तो नुकसान को बचाने के लिए हम सारे लोग आए हैं, अभी तो इस टाइम जो है वो पानी का ड्रेनेज निकाल के हम बचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पछियाला। बीते दिन भी मैंने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था कि स्थानीय इलाके में जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी जो है बरसात के मौसम में जल भराव हुआ है। ये दृश्य पहले आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर जल भराव हुआ है, काफी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर SDRF की टीम, उधमपुर तहसीलदार, उधमपुर DC लगातार यहाँ पर मौके पर हैं। दृश्य एक बार पीछे का देख लें कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और लगातार पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो कि पानी अभी तक नहीं निकल पा रहा, जबकि रात को जो है लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पर जलभराव इतना हो गया कि लगातार नुकसान होते नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप साफ तस्वीरें उधमपुर स्थानीय इलाके की, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जलभराव हुआ है, लगातार जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। SDRF की टीम, उधमपुर तहसीलदार और जो कि DC उधमपुर मौके पर है और लगातार यहाँ पर इस एरिया का जो है मुआयना कर रही है और ढूंढ रही है कि आखिरकार कितना पानी, आखिरकार वजह क्या है, क्यों यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा होने की जो वजह है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार यहाँ पर लोग जो है रोष व्यक्त भी कर रहे हैं कि आखिरकार हर साल की तरह इस साल भी जो है जल भराव हुआ है। लगातार ये मांग करते हैं कि आखिरकार इस परेशानी से हमें निजात दिलवाई जाए, पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान जो है नहीं दिया जा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हर साल पानी यहाँ पर आता है अभी तक प्रशासन ने कोई भी इंतजाम नहीं किया गया, आज भी जो है लोगों का नुकसान काफी ज्यादा हुआ। आप कल भी आए थे स्वप्निल जी, मैंने कल भी आपको जब बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लिए भेज दिए पंप, ये तो खाली फॉर्मेलिटीज, मैंने कल आपको बताते हैं बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, ठीक है। अभी भी हो सकता है किसी घर में कोई ऐसी इंजरी हो गई हो, किसी को अभी पता नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपना अपना सामान बचाने में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने बच्चों को बचा रहे हैं। तो मैंने आज DC मैडम आई थी, अभी उनके साथ यही बात हो रही है, इस पानी को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो मैंने आपको बोला है, जो जमीन है लोगों ने, एक सरकारी नाला है 14 फुट जगह है, जो सरकार ने रेलवे ने ली हुई है, उसको लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसको नाले को खुलवाया जाए। मैडम ने बोला है अभी JCB वगैरह भेजी हुई है। तो देखिए ये आज ही नहीं, हर साल ऐसा ही होता है, तो क्या साल से हो रहा है, तो क्या प्रशासन ने कभी 100 रुपए नहीं ध्यान दिया, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी DC मैडम आए थे, वो बोल रहे हैं मैं अभी तब तक ये पानी बाहर नहीं निकालूंगी तब तक मैं घर में नहीं जाऊंगी। देख सकते हैं आपकी किस तरह से लोग रोष में हैं लगातार, जिस तरह से जिला आयुक्त भी कह रहे हैं जब तक यहाँ पर लोगों की परेशानी को हल नहीं करूंगी तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी, पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किस तरह से जल भराव इस स्थानीय इलाके में हुआ, लगातार लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं, पानी निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आओ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा साथ आए, आखिरकार दिखाऊंगी कितना पानी यहाँ पर है, कितना फुट पानी यहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं अगर कोई भी यहाँ पे इस गली से बाहर आता है तो किस तरह से लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है, काफी घर इस गली के अंदर है, ये नहीं सोचिए कि यहाँ पर लगभग 1 से 2 घर हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ यहाँ काफ़ी घर हैं, काफ़ी घर जो है इस वक्त नुकसान के कटघरे में है, लगातार नुकसान जो है हर घर को हुआ है, काफ़ी दुकानें हैं इस गली के अंदर, हर दुकान के अंदर आप ये जो पानी है वो चला गया, जिससे काफ़ी नुकसान जो है लोगों को हुआ है। मेरे साथ स्थानीय इलाके की महिलाएं भी हैं, वो भी उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अपना नाम बताएं। ईशानी कौल। ईशानी, क्या क्या वजह है, क्यों यहाँ पर पानी लगातार हर साल यहाँ पर जल भराव होता है? सर, जब जगह ही नहीं छोड़ी है लोगों ने, ना ही रेलवे मिनिस्टर्स ने छोड़ी है कि पानी निकले, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर, ड्रेनेज सिस्टम 5 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से हमने क्या अपनी कमाई सारी घर को बचाने में लगानी है, हम अपना फ्यूचर नहीं देखे। या इनका इनका ही सुनते रहे, ये 1 साल आते हैं, दूसरे साल दूसरा आता है, तीसरे साल तीसरा आता है, चौथे साल चौथा DC आता है, पांचवें साल पांचवा DC आएगा, हमने क्या DC के सर पे बैठना है?
पांच साल से कुछ तो करो, कुछ तो दिखाओ। अब ये वाली डीसी मैम जो आई है उन्होंने सोल्यूशन तो बताया, अब देखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। कितना नुकसान जो है आज हो गया है लोगों का? सर अराउंड जो पीछे मैम है उनका तो घर ही डूब गया है। एक भद्रवाह में है उनका पूरा फ्लोट हो रहा है, ये है वो मैम, इनका घर डूब चुका है, बच्चे हैं इनके इतने छोटे छोटे। हाँ जी मैं आपसे बात करूंगा, क्या क्या कितना नुकसान हो गया आपके घर का? हेलो, मेरा नाम विजय देवी है, मैं स्थानीय निवासी की रहने वाली हूँ। मेरी सबसे पहले मेरी स्थानीय निवासियों से यही प्रार्थना है कि अभी झगड़ के या लड़ाई करके सर कुछ नहीं होने वाला, तो सभी से मैं ये आशा करती हूँ कि मिलकर हमें इस पानी का जो है सुझाव करना है, हमें अपने घरों का पानी जो है बाहर निकालना है। तो सर पानी तो सर इतना आया कि मतलब मेरा घर का पूरा सामान सर पूरा खराब हो गया है, तो बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हमने बाहर में बाहर निकाले हैं। तो मैं अब आने वाले दिनों में भी इस तरह की समस्या रहती है, तो क्या निर्णय ले गई अब स्थानीय इलाका? सर बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम जो है, ये इशू जो है वो आज का नहीं है, 2007 ये का बहुत पुराना इशू है। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली डीसी रिस्पॉन्सिबल है, डीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोग सब रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जब रेलवे बना था तो उन्होंने जितना भी पानी है वो इस तरफ छोड़ दिया, उन्होंने जो पानी छोड़ा वो नाले में छोड़ा। लेकिन आज की समस्या नहीं, कहीं हर साल ऐसा ही जलभराव यहाँ पर होता है? हाँ हर साल होता है, ये 2007 से है, बट इसका सोल्यूशन बस इतना ही है जहाँ पे बैठा है अगर ये वहाँ पे इसको वे देंगे और इस रोड को स्पेशली यहाँ पे जो ये गली है इसको ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे तो पानी सारा निकल जाएगा। हाँ अब पैसा गवर्नमेंट रिलीज करती है, वो तो आप इसको ड्रेनेज बनाइए वहाँ पे निकालिए, वाटर निकल जाएगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट अभी पानी है, अभी कोई आ रहा है देख रहा है, दो दिन बाद कुछ नहीं करेगा तो वो कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इलेक्शंस के टाइम पे ये आते हैं, हमारा मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शंस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, बस बस मतलब ये मजे लेने के लिए आते हैं। जो भी इलेक्शन लड़ता है सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसको दिखता ही नहीं, उसके बाद पता ही नहीं होता है। 8 लाख दिया है इस बार भी सरपंच सर को हमारी गली बनाने के लिए, पीछे आप चलिए आधा तक आधा बनाया, आधे के बाद है ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं आपके सरपंच साहब? करते हैं वो बात, बट कहाँ है कहाँ, हमें तो हमें नहीं ना बताया कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट से पता चलेगा वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं हम कैसे माने कि सरपंच सर काम कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा ना। जैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट देख के बताया जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वैसे ही जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका रिजल्ट देख के बताया जा सकता है कि इन्होंने काम करा है या नहीं करा है। तो अभी तक तो हमारे पास रिजल्ट है ही नहीं, तो सरपंच सर का काम ही नहीं है। फिर सोल्यूशन निकालो, उसको जो गहरा करो, पानी चाहे दो तरफ डिवाइड हो जाएगा और पूरा पानी ऊपर वालों का भी नीचे आ रहा है। और दूसरी ना, ये सुझाव आप हर बार देते हैं पर ये सुझाव सुझाव कोई सुनता ही नहीं है। जब उनको बोर्ड चाहिए होते हैं तो आते हैं, बोले हम आपको टाइल डाल के देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, जब वो बन गया वो बोलता राजा मैं हूँ और कोई है ही नहीं है दुनिया में। रोल कर तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम खुद पानी के अंदर हैं, देख सकते हैं आप कि कितना जल भराव यहाँ पर हुआ है। स्थानीय इलाके की आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं, ये कितना पानी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा साफ दृश्य आपको आराम से दिखाए कि किस तरह से यहाँ से हम खुद इस वक्त पानी के अंदर हैं। और ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पर मतलब कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये देख सकते हैं किस तरह छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों ने भी जो है यहाँ से आगे जाना है, अपने घरों की ओर जाना है। मेरे पीछे काफ़ी बच्चे हैं, वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ रही है। अब आपको मैं पूरे अंदर तक के दृश्य दिखाऊंगा, आखिरकार घरों के अंदर कितना पानी है, कितना नुकसान लोगों के घरों में हुआ है, आखिरकार उधमपुर प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों गहरी नींद सोया है, क्यों जिस तरह से हर साल डीसी जो हैं बड़े बड़े आश्वासन करते हैं कि इस स्थानीय इलाके में जो जल भराव के जो लगातार परेशानी है वो ख़त्म करेंगे, पर अभी तक परेशानियाँ क्यों नहीं ख़त्म की जा रही लोगों की। ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को पकड़कर लोग यहाँ से एक दूसरे का सहारा बनकर इस गली को क्रॉस कर रहे हैं, पर सवाल अब ये है क्या पूरी उम्र
लोगों को इसी तरह के लोगों के सहारे लेने पड़ेंगे इस गली में चलने के लिए। ये देखिए आप, आखिरकार कितना जल भराव इस स्टैनी इलाके में हुआ है। चलो, SDRF की टीम यहाँ पर मौके पर है, वो लगातार कोई भी रेस्क्यू कर रही है, अगर कोई किसी भी घर में फंसा है उनको निकालने की कोशिश कर रही है। पर आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं कि अगर किसी को भी इस गली से निकलना पड़ रहा है तो पर किसी ना किसी का सहारा उन लोगों को लेना पड़ रहा है। जिस तरह से मैंने भी हाथ पकड़कर मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये पानी, आखिरकार कोई पता नहीं कि कितना पानी कब बढ़ जाए। ये देखिए लगातार पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है, कम कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये देख सकते हैं आप साफ तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का सहारा लेकर किस तरह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी घर हैं इस इलाके में। लगातार लोग रोष व्यक्त करते हैं कि इस एरिया को ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए यहाँ का, पर अभी तक इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया। लगातार प्रशासन सिर्फ आश्वासन करता है, आश्वासन की ओर नहीं बढ़ता। तो अगर आश्वासन ही करना है तो आखिरकार प्रशासन आश्वासन ही क्यों करता है? आपके सामने ये घर है, घर के बाहर की हालत देख लें, कितना पानी जो है घर के अंदर होगा। बाहर अगर ये हालत आपको देखने को मिल रही है तो सोचिए अंदर क्या हालत होगी इस घर की। ये साफ तस्वीरें उधमपुर के सतैनी इलाके की आप देख रहे हैं कि कितना जल भराव यहाँ पर हुआ है। घर बहने की जो है सूचना यहाँ पर मिल रही है कि देखिए आप सामने, मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, तेज चलूंगा आगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से SDRF की टीम सतर्क है, लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है कि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। पर ये देख सकते हैं सुबह से, ये अभी की बात नहीं है, सुबह से इसी तरह से SDRF की टीम मौके पर है, लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। ये देख सकते हैं आप, वो देखो लोग, कई लोग इसमें गिर भी रहे हैं। रहने दे, मुहा माया होनी है गिल्ली, तो वो बनते ही दिखाना है, चला नहीं जाता है। अजल दिया ना, ये आपको बताता चलूं किस तरह से महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए अब लगातार पानी जो है आगे बढ़ता जा रहा है, जितनी आगे हम चलेंगे उतना पानी जो है आगे बढ़ रहा है, जल भराव बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी घर यहाँ पर है, लगातार जो घर के लोग हैं, परिवार है, परिवार के लोग लगातार पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बाउंड्रीज बना दी गई हैं कि पानी अंदर ना जाए, उसके बावजूद पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। काफ़ी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है, कई घर जो हैं, कई घरों में नुकसान जो है लगातार बढ़ रहा है। कई घरों, कई जो ऐसे घर भी हैं यहाँ पर जो पानी में, पानी के बहाव में, जो कि पूरे वो पानी जो है पानी के नीचे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं पानी, ये देखे थे तस्वीरें आप कहाँ पे खड्डा, वही खड्डा है यहाँ पे। सहारा लेकर SDRF टीम की हम सहायता लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और कई लोग यहाँ पर गिर भी चुके हैं, उसके बाद भी SDRF की टीम की मदद लेकर हम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव हुआ है। अगर हमें लोगों से मदद लेनी पड़ रही है तो सोचिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस वक्त कितनी मदद की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हैं सुबह से जिला आयुक्त इंदु कंवर चिप भी यहाँ पर हैं, SDRF की टीम भी यहाँ पर है, लगातार लोगों की सहायता कर रही है। इवन कि आपको मैं बताता चलूँ, हमारी मदद जिस तरह से, देखिए आप, मैं भी SDRF की टीम की सहायता लेकर चल रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जलभराव है। ये देखिए क्या, कितना क्या बोल रहे हैं कि कितना हुआ, क्या है, ये जितने भी घर हैं सारे पानी में डूब चुके हैं। ठीक है, हुआ ये है कि पीछे जो पानी आता है इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी जो गलियां हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है दीवार दे रखी है, ठीक है, उससे जो पीछे का पानी है वो सारा इसी तरफ डाइवर्ट हुआ है। ओके, उसी कारण ये सारा पानी जा रहा है। सर क्या मानते हैं, जब से सुबह से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं लोगों की, कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने लोग फंसे थे अंदर, कितने घर जो है हमारे आने तक जो लोग थे उन्होंने अपना बचाव कर लिया था,
लेकिन सामान उनका जो पानी के बीच में डूब चुका है, डूब चुके में नुकसान काफी हुआ है, वो डूब चुका है। आप आइए, आप देख रहे हैं कि एसआरपी की टीम खुद बता रही है कि आखिरकार कितना यहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की साफ तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो है स्थानीय इलाके की देख रहे हैं कि किस तरह से जल भरा हुआ है, और खुद एसजीआरपी की टीम यहाँ पर है, उनकी सहायता लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये घर की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मेरे साथ ये घर है, ये घर की हालत देखें आप, क्या हालत हुई है घर की। ये घर की हालत है, घर के अंदर की हालत आप देख रहे हैं, अगर बाहर की हालत है तो सोचिए अंदर की क्या हालत हुई होगी। परिवार के लोगों को छत का देख सकते हैं आप, मैं अपने वीडियो चैनल इसको कहूँगा कैमरा पैन करें और ऊपर का दृश्य दिखाएं, छत का दृश्य दिखाएं इनका, छत पर जो है लोग खड़े हैं, परिवार के लोग खड़े हैं, क्योंकि ये नीचे अगर आप देखेंगे कि नीचे आने की इनके पास जगह तक नहीं है, क्योंकि नीचे जिस तरह से गली की अगर जल भराव की बात करूं तो घरों के अंदर तक ये पानी जो है जा चुका है। लोगों को काफ़ी अब दिक्कतों का सामना लगातार बढ़ रहा है, लोगों की दिक्कतों का सामना करना, ये आप देख रहे हैं लोगों के खेत जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लोगों की मेहनत जो थी वो बेकार हो चुकी है। मैं एक बार किसी घर में जाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए आप, अब मैं एक घर के अंदर जाऊंगा, देखते हैं वहाँ की हालत, मैं आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक घर की कि क्या हालत हुई है। मैं अपने वीडियो जल्दी कहूँगा अंदर आए, एसआरपी की टीम हमें लेकर घूम रही है, हमारी मदद में है, क्योंकि अगर हम अकेला जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते थे, यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो हमें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद पता है अगर हम अकेले जाना चाहें तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ के हालात हैं ये इस तरह के हालात हमने पहली बार देखे हैं, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करूँ तो इतना जल भराव पिछले साल भी नहीं हुआ था। पर छोटू इधर ले दो वीडियो, ये आप देख सकते हैं यहाँ का जल स्तर देख सकते हैं, मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी है, क्योंकि पिछले से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, अब मैं स्थानीय इलाके के बिल्कुल अंदर तक आया हूँ और यहाँ का जल स्तर देख सकते हैं, अगर मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी है तो सोचिए घरों के अंदर तक कितना पानी होगा। जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं मुझे कि कई घरों के अंदर पानी इतना आ गया कि लोगों का पूरा जो सामान था अंदर का सारा नष्ट हो गया, पर अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर होगा, ये देख सकते हैं, और मैं आगे जा रहा हूँ तो आगे और कितना पानी होगा। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में सांप कीड़े कितने होंगे इस पानी के अंदर, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा और आगे आए, ये देखिए, ये देखिए लोग हमें खुद मना कर रहे हैं कि आगे मत जाएं, क्यों आगे काफी गहरा पानी है, पर आप सोचिए कि बरसात के मौसम में सांप कीड़े कितने होंगे और कितने घरों के अंदर सांप जो है वो इस वक्त चले गए होंगे। पर जिस तरह से हमें भी लोग बता रहे हैं कि आगे ना जाएं, आगे खतरा हो सकता है, पर देखिए एसजीआरएफ की टीम की मदद लेकर हम लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है स्थानीय इलाके की दिखा रहे हैं कि क्या हालत जो है इस बरसात के मौसम ने यहाँ के रंग दिखाई है। कोई बच्चा इस पानी के अंदर चला जाए तो कितना बचेगा, कहाँ बचेगा, वो चार फुट पानी अगर बड़ा आदमी गिर जाएगा तो चार फुट तो कितना होगा। तो मानते हैं कि सरकार जो है बड़ा हादसा होने का न्योता दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हर सीजन में हर बरसात में यही होता है। पंकज जी मेरे साथ हैं, पंकज जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी लगातार यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी लगातार लोगों की आवाजें सुनते हैं, क्या मानते हैं कि सरकार यहाँ पर हादसों को बड़े हादसों को न्योता दे रही है? हर साल फोकरे बाधे होते हैं हमारे साथ, अभी आप लेट आए, सुबह आए होते जहाँ पे 6-8 फुट पानी था। ओहो, चार घर तो ऐसे हैं जिनके पूरे घरों में पानी आ चुका है, वो अपने घरों से बाहर चुके हैं, अब प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी। बरसात का मौसम है, कई घर पानी के अंदर हैं और सांप कीड़ों का आना शंका रहती है कि सांप कीड़े बरसात के मौसम में बाहर आते हैं। बिल्कुल, तो सोचिए किसी के घर में सांप कीड़े इस तरह के आ जाएं तो कितना बड़ा हादसा होगा। हादसा बहुत बड़ा हुआ, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हम प्रशासन से बार बार आग्रह कर चुके हैं कि जल्दी से जल्दी माला कुछ इसका उचित व्यवस्था कीजिए, लेकिन अभी तक हमारे खाली हमें देखिए हम एक जगह खड़े होने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बरसात का मौसम है, सांप कीड़ों का मौसम है, तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हम सबसे जल्दी बात करेंगे सर कि क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से। आए सुबह डीसी मैडम हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने पूरा ब्यूरो देखा,
वो मौके पे गए, महल महल गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने जेसीबी भेज दी है दो दिनों में और टीम पूरी भेज दी है, फ्लड कंट्रोल की टीम पूरी भेज दी है उन्होंने। अभी थोड़ा बहुत होगा लेकिन जैसे परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई जहाँ पे कोई नाला बन जाए बहुत बड़ा जो 7-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, तो उसके बिना हल नहीं होगा। जिस क्या आप देख रहे हैं लोगों की पुकार देख रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, ये आज ही मांग रही है, हर साल मांग करते हैं पर इनकी मांग जो है नाकाम रहती है, आखिर क्या वजह है ये प्रशासन बता सकता है? पर देखिए लगातार हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएंगे। अब देखिए पानी निकालने की बात की जा रही है, बाहर भी करूंगा। क्या वजह, क्या वजह, क्या कह रहे हैं, क्या क्या कैसे निकाला जा सकता है पानी, ये बताइए कैसे कैसे निकाला जा सकता है पानी, बोलो बताएं आप। मगर इधर द्वार तोड़ने से क्या पानी जाएगा बाहर? और करने द्वार होना पानी नहीं, दो सुराख करने खड़े, सुराख करने पानी खड़े, नहीं जला रहे। ये देखिए दीवार तोड़ने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि दीवार तोड़ी जानी है, पर लोग कहीं ना कहीं जोश में भी हैं कि नहीं, जो दीवार है वो नहीं तोड़ी जानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के घर तक और पानी आ सकता है। पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोगों में रोष भी बढ़ता जा रहा है। मैं और आगे जाऊँगा, ब्रिटलिस्ट को कहूँगा सर इतना और करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब गो रस्ता बना पहले बारी निकलने वास्ते पानी, बारी भी निकलना चाहिए रोड की पानी, इतना और करके साढ़े घर बढ़िया पानी, पूरा पूरा पानी नहीं खोलना, थोड़ा पानी खोलना सर, पूरा दिन पानी चलना, देखो इतना ब्लॉक नहीं चल, बारी निकले रास्ता नहीं, दोनों वक्त निकास है थोड़ा थोड़ा, जिन्ना नहीं मरना थोड़ी निकलेगा, मैं थोड़ी गल मरना, सुनो तो इतना एकदम पूरी दीवार नहीं करानी, मन के इनहारा गला करके, इनहारा गला करके अगुआ बारी कि कटना रोड च ही कटना नहीं है उसे सर, इनहारा सुराख है बिल्कुल सर, जल्द इतना बाड़िया पानी फुल होता ना, साढ़े घरें बड़ी होता पानी, उल्लै जल्द बाड़िया पानी फुल होता बारी घट निकलता, इन्ना पानी होता साढ़े बाहर, कल तो साढ़े बाहर थोड़ी पानी पुजेगा, बाकी पानी सर थे जाता पूरा पानी थे जाता पूरा लेवल है, जमीन लेवल है यार, दीवार टूटी इसलिए डूबा, हमारी टूटती तो हमारे घर में डूबना था, हमारी टूटती हमारे घर में पानी आना था, ये थोड़ी हमारे घर में नहीं आना, हमारे कोई दुख है लोगों से क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जोश लोगों में बढ़ रहा है क्योंकि पानी का जलभराव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि तीन जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये देखिए अगर पानी जाने लगेगा दोबारा बंद हो जाएगा, जब ये दीवार बारिश में थोड़ी बंद होता है, देखो ऐसे निकल रहा है, रात को ये दीवार टूट जाएगी, फिर आप लोग क्या करोगे? टूटेगी तो डूबेंगे क्या करना है फिर कोई रोक नहीं है, पहले छेद करेंगे भगवान से, लिख के लाओ ऊपर वाले चेक करेंगे तो बचे रहेगा, छोटा छेद करेंगे भाई, आप तोड़ो मेरे को दिखनी है, मेरे घर में पानी चढ़ेगा, आप सभी जिम्मेदार हो, मेरे घर में पानी नहीं आना चाहिए, बाकी आप चढ़ाओ मेरी जमीन में जितना मारी डालो सर, कहीं पूरी फुल कर, मेरे एक सवाल सर, सवाल करूंगा कि काफी घर यहां पे पानी के अंदर में है सर, पानी के अंदर है कहीं घर सर इस वक्त? हाँ पानी के अंदर है यार, पूरा पूरा लेवल है हमारा, जमीन के लेवल है, इधर से पानी जब बाहर जाता है ना, बाहर निकलने की इतनी सी निकासी है, बाहर निकलने जब पानी डंप होता है तो काफी पानी, देखिए ना अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर दो सुराख की वजह से अगर पानी की जो कटौती हो सकती है, पानी निकल सकता है बाहर, तो कितनी मतलब क्या परेशानी फिर उसके लिए आ रही है आपको? परेशानी सर हमारे घर में पानी पहुंच जाएगा, अगर इधर से हम सुराख करेंगे पूरा पानी हमारे अंदर जाएगा, हमारे घर में पहले 4 बार हमारे घर में पानी जा चुका है, इसका असल मसला यही है, अभी लोगों के घर में पानी गया, आगे से पहले आउटलेट निकालो फिर इधर पे छेद कर लो, आउटलेट निकालो फिर छेद कर लेते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से ये आज की बात नहीं है, हर साल ऐसा ही रहता है, तो आखिर का सही अगर जो निर्णय लिया जाए वो क्या निर्णय है कि अगली बार भी इस तरह का पानी जो यहाँ पर नहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालो, हम मैं इधर से आगे का ये है जो रेलवे वाले अपना जो पानी छोड़ा हुआ है उन्होंने बांध के वहाँ पर अपना अलग से बना लें एक नाला उधर से परमानेंट ब्लेव छोड़ दें तो ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा उसका पानी ऊपर से। सर आप सुबह से यहाँ पर है, क्या करेंगे, कितना नुकसान, क्या मानते हैं, आपने भी पूरा मुआयना किया इस इलाके का, कितना नुकसान आपको लगता है कि यहाँ पर हुआ होगा? अभी तो नुकसान को बचाने के लिए हम सारे लोग आए हुए हैं, अभी तो इस टाइम जो है वो
पानी का ड्रेनेज निकाल के हम बचा सकते हैं पानी। सर देखिए सर, एसएसपी की टीम भी है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों में जोश भी है, लगातार रोष व्यक्त कर रहे हैं लोग। आप भी जो है लगातार यहाँ पर हैं, आप भी पानी के अंदर से यहाँ पर आए हैं, क्या मानते कितना पानी यहाँ पर सुबह से यहाँ पर बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए ना, तीन बार बारिश होने की वजह से ये हाल हुआ है, आने वाले दिनों में बारिशें बढ़ेंगी तो क्या हाल होगा? यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं। नहीं, दो मिनट। लगातार रोष देखिए आप किस तरह से है। तहसीलदार अमित वर्मा जी यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं। अरे मैं ये लखन पे खर्चे इससे ले रहा हूं, आओगे पानी का केड़ी तो करोड़ों का सोशल पानी है भाई, मेरे गला पानी घोड़े है, मेरे गला पानी है। ठीक है अरे दुआ जड़ी उन्होंने जड़ी दी, दुआ जड़ी टेठी सारे लोग जड़ी है, पीछे दुआ कौन उन्होंने जड़ी है। 12 लाख 56 हजार रुपए तैयार है, 8 लाख रुपए आईदा, लेकिन 4 लाख तो जो ग्रांट आ रहा है।